दोस्तों, द न्यूज़वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अंग्रेजी में कहावत है हेट्रेड इन द बेली, हिंदी में जिसका मतलब है पेट में नफरत होना, या फिर आम बोलचाल में इसे पेट पाप भी कहते हैं। मनु मीडिया के सवर्ण पत्रकारों का दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए नफरत तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर मीडिया चैनलों या फिर पोर्टल्स के सवर्ण पत्रकारों के पेट में भी बहुजनों से जुड़े मसलों पर ऐसी मरोड़ उठती है कि उनका हाजमा खराब हो जाता है। मुंह से बहुजनों के खिलाफ नफरत की उल्टियां करते हैं और उनके पिछवाड़े से जलन का धुआं निकलने लगता है। अब कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर टीवी चैनल NDTV के ब्राह्मण एंकर संकेत आधे को ले लीजिए। जनाब जातिवाद जनगणना पर एक शो कर रहे थे और इनके शो का नाम है इशारों इशारों में। SC ST और OBC समाज के दर्शक टीवी के सामने बैठकर इन्हें सुनने लगे। लोगों को लगा कि भाई ये वाला टीवी चैनल तो सच का साथ देता है, जनवादी मुद्दों को उठाता है, तो ये देश की बहुसंख्यक आबादी के हक की बात जरूर करेगा। लेकिन बहुजनों के अरमान आंसू में बह गए और ये कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर चैनल NDTV के ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय के अंदर का नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्यूट सा ब्राह्मण बॉय नींद से जाग गया और उसे बहुजनों के खिलाफ बकवास करने की भूख लगी थी। अब बेचारे ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय अपने अंदर के लिटिल ब्राह्मणवादी बेबी को चुप कराने के लिए लग गए OBC SC ST समाज के खिलाफ अनाप शनाप बोलने। पहले तो ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय ने शब्दों की जलेबी को चाशनी में डुबो डुबो कर बताया कि जातिवार जनगणना आखिर है क्या, लेकिन फिर बड़ी ही चालाकी से शब्दों की जलेबी को चाशनी से निकाल कर जहर में डुबो दिया और अब इस जहरीली जलेबी को उन्होंने बहुजन समाज के सामने परोस दिया। 7 मिनट और 57 सेकंड के इस वीडियो में 4 मिनट और 38वें सेकंड पर संकेत उपाध्याय ने SP, BSP, RJD, JDU और LJP जैसी पार्टियों को जाति की राजनीति करने वाली पार्टी घोषित कर दिया। सपा, बसपा, राजद, जदयू, लोजपा, बोलने का स्टाइल देखिए, जैसे मानो मुंह में जनेऊ चबा रहे हो। अभी और सुनिए। सपा, बसपा, राजद, जदयू, लोजपा, ये जितनी भी पार्टियां हैं जो कि जिन्होंने जाति के आधार पर ही अपनी राजनीति की है, जाति या समुदाय को बचाने के लिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो राजनीति की है इतने सालों तक, जब BJP OBC की बात करने लगेगी तो फिर भाई एक सवाल ये पूछा जाएगा ना कि देखो BJP हमको मंत्री बना रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप इतने बड़े जो हैं कास्ट के चैंपियन थे, आपने हमारे लिए क्या किया। इस कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर चैनल NDTV के ब्राह्मण और मेरिटधारी एंकर संकेत उपाध्याय बड़ी ही चालाकी से ये साबित करना चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं OBC की जातिवाद जनगणना की जो भी मांग कर रही हैं, दरअसल वो अपनी राजनीति को बचाने और वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही हैं। इस मेरिटधारी एंकर ने बहुजन समाज से जुड़ी तमाम पार्टियों को जातिवादी और जाति की राजनीति करने वाला घोषित कर दिया। लेकिन इस कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर NDTV चैनल के ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय को BJP जैसी पार्टी जातिवादी नजर नहीं आती, जिसने बिना किसी रिसर्च या फिर बिना किसी डेटा के महज 48 घंटे में सवर्णों के लिए 10% सुदामा आरक्षण दे दिया। इस कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर चैनल NDTV के ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय को कांग्रेस जैसी पार्टी जाति की राजनीति करने वाली नहीं लगती, जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सालों तक दबाए रखा। लेकिन इस मेरिटधारी एंकर ने इशारों ही इशारों में SP, BSP और RJD जैसी पार्टियों को जाति विशेष से जोड़ दिया। जातिवार जनगणना की मांग कितने सालों से हो रही है, लेकिन इस एंकर को यह लगता है कि क्योंकि बीजेपी ने 27 OBC मंत्री बना दिए, इसलिए विपक्ष ऐसा कर रहा है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए। मतलब हमारे सारे लोगों का संघर्ष जो है वो NDTV के लिए कोई मायने ही नहीं रखता, कितने सालों से हम जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस कथित लिबरल, प्रोग्रेसिव, जनवादी और सेक्युलर चैनल NDTV के ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय के अंदर का ब्राह्मणवादी बच्चा सिर्फ इतना कहने भर से शांत नहीं हुआ, अब तो वो अंदर ही अंदर हिलोरे मार रहा था और फिर 5:34 पर उसके अनपेट के अंदर की नफरत बाहर निकल आई। संकेत उपाध्याय ने इशारों इशारों में आरक्षण पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सुनिए। जब सही में जनगणना होगी तब ये पता चलेगा कि मंडल कमीशन ने, जो मंडल आयोग ने जो कहा था कि OBC अकेले 50% से ज्यादा उनकी आबादी है, तो फिर उनके लिए 27% रिजर्वेशन क्यों? अब आपको समझ में आई बात? तो ये खेल दो फ्रंट पर है, एक OBC और दूसरा आरक्षण।
ये जितनी पार्टियां हैं उन सबका ये मानना है कि एक बार ये सर्वे हो, सेंसस में जो भी फाइंडिंग आएगी उनका ये मानना है कि फाइंडिंग में ये आएगा कि ओबीसी जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जब संख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कैप रख दिया है कि 27% ओबीसी को आरक्षण और जो कुल आरक्षण है वो 50 से ऊपर नहीं जा सकता, फिर एक डिमांड रखी जाएगी कि भाई देखिए अब इतनी बड़ी आबादी है तो आप इनके लिए आरक्षण बढ़ाएँ। सुप्रीम कोर्ट में भी ये दलील दी जा सकती है कि अब आप वो ये 50% का क्लॉज हटाएं, क्योंकि लाभ कैसे पहुंचेगा लोगों को। अब समझ में आया आपको पेट में नफरत किसे कहते हैं, हेट्रेड इन द बेली। ये लोग उस दोस्त की तरह हैं जो किसी मटके के ऊपर मलाई लगाकर आपको देते हैं लेकिन उसके अंदर जहर भरा होता है। मोदी का विरोध करके लोगों में भरोसा बनाओ और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल अपना एजेंडा चलाने के लिए करो। इस कथित लिबरल प्रोग्रेसिव जनवादी और सेक्युलर चैनल NDTV के ब्राह्मण एंकर संकेत उपाध्याय के अंदर की नफरत तो आपने देख ली, अब इसकी मेरिट भी चेक कर लीजिए। देखिए जन्मजात मेरिटधारी आरक्षण के बारे में क्या कह रहे हैं। जब आरक्षण आया था तो ये बोल करके लाया गया था कि ये कुछ समय के लिए समाज में जो लोग समान नहीं हैं उसको समानता लाने के लिए, या जो बहुत नीचे हैं उनको एक लेवल तक लाने के लिए कुछ सालों के लिए आरक्षण लाया जाएगा, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। आज होता है रिव्यू, किसी ने रिव्यू नहीं किया उसको। इस बात को आरक्षण वाली को यहीं छोड़ते हैं, एक और एपिसोड के लिए रखेंगे। सुना आपने, इस मेरिटधारी एंकर ने अपने चैनल पर बैठकर फेक न्यूज फैला दी। इस आदमी को यह भी नहीं पता कि भारत के संविधान में आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान है और इस आरक्षण की समय सीमा या समीक्षा की कोई बात कही नहीं गई है। मिस्टर संकेत उपाध्याय, इस मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम की क्लास लेनी चाहिए, वो एक्सपर्ट आदमी है संविधान के मामलों में, आपको जरूर सिखा देंगे, फिर आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 335 को हिंदी में बताता हूँ। आर्टिकल 335 कहता है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। हे जन्मजात मेरिटधारी लिबरल सेक्युलर और जनवादी एंकर संकेत उपाध्याय, क्या आपको इस पूरे आर्टिकल में कहीं लिखा दिखा कि आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए है या फिर उसकी समीक्षा का समय दिया हो? फिर क्यों आप दिन दहाड़े अपनी ब्राह्मणवादी कुंठा को साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं? संविधान में SC ST को नौकरियों और शिक्षा में दिए गए आरक्षण की ना ही कोई समय सीमा तय की गई है और ना ही समीक्षा की बात कही गई है। आप राजनीतिक आरक्षण को शैक्षणिक और नौकरी पेशे में मिले आरक्षण के साथ घालमेल करके अपनी मेरिट का ढोल पीटना बंद कीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लीजिए और आपको EWS के नाम पर सवर्णों को मिले 10% आरक्षण से दिक्कत क्यों नहीं है? सवर्णों की कुल आबादी महज 15% से भी कम है, लेकिन फिर भी इस 15% आबादी के लिए 40.5% सीटें जनरल के नाम पर आरक्षित हैं और 10% सुदामा कोटा भी ले लिया, यानी 15% आबादी के लिए 50.5% आरक्षण है। लेकिन उस पर मुंह नहीं खुलता आपका, सारा जहर बस SC ST और OBC के नाम पर ही फैलाना है। दम है तो जातिवार जनगणना कराने की मांग करो, फिर पता चल जाएगा कि कौन किसके नाम की मलाई खा रहा है। इसलिए ये लिबरल सिबरल प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का चोला उतार दीजिए और सीधे कहिए कि आप जनवादी नहीं बल्कि मनु मीडिया हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्या खेल चल रहा है। आपको ऐसे चैनलों और उनके जातिवादी एंकरों का बहिष्कार करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय भी दें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।